बिस्मिल्लाह रहीम अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है आप सब फेरी होंगे इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लिपिड्स सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक लिपिड्स फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड हिस्ट्री ऑफ द लिपिड्स द वर्ड लिपिड इज डिराव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड लाइपोस व्हिच मीन फैट्स हिस्ट्री ऑफ लिपिड इज दैट द फर्स्ट दे फर्स्ट कार्ल्ड एज लिपिड बाई ब्लोर इन नाइनटीन फोर्टी थ्री ब्लोर साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले लिपिड्स फैट्स को वर्ड दिया था लिपिड्स का नाइनटीन फोर्टी थ्री में डेफिनेशन देखते हैं लिपिड्स की हाइड्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड आर कार्ड एज लिपिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स uh, के हाइड्रोजेनियस ग्रुप होते हैं जो कि फैटी एसिड से रिलेट होते हैं उन्हें लिपिड्स कहते हैं कम्पोजिशन देखें हम लिपिड्स की तो हम कहते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर दिस दिस आर दम्बने कम्पोजिशन ऑफ द लिपिड्स देन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिपिड्स आर द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिपिड्स आर फैटी एसिड एंड ग्लाइसट्रोल आर थ्री कार्बन अल्कोहल आर एज ग्लाइसट्रोल सो डेफिनेशन ऑफ फैटी एसिड इज fatty acids is an organic acid having carboxylic uh, acid group coh with fatty carbon chain of at least 4 carbon fatty acids are found in fats waxes oils in combined form in nature फैटी एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं कि हम कहते हैं कि इनमें कार्बो एक्जिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है फैटी कार्बन चेन के साथ और एटलीस्ट इनमें फोर कार्बन प्रेजेंट होते हैं और फैटी एसिड uh, जो होते हैं वो फैट्स में प्रेजेंट होते हैं ऑयल uh, में प्रेजेंट होते हैं वाई वैक्सीस में इन कम्बाइंड फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं देन देखते हैं फैटी एसिड की डिटेल जनरल फार्मूला ऑफ द फैटी एसिड्स इज दिस आर सी डब्लू एच This is a carboxylic acid. Simple general formula of carboxylic acid along with the fatty uh, carbon chain uh, of, uh, and this is the alkyl group here. Is uh, the alkyl group is present. So classification of fatty acid we say that uh, um, uh, fatty acids are classified on the uh, following basis on a chemical basis and uh, on uh, um, nutritional basis. First of all, uh, on the chemical basis, the um, odd chain. And even chain fatty acids and uh, saturated and unsaturated fatty acids. On the nutritional basis, we say that the uh, uh, fatty acids are essential fatty acids and non-essential fatty acids. First of all, on the chemical basis, chem on the chemical basis, there are two types of uh, uh, fatty acids: odd chain fatty acids, even chain fatty acids, and saturated uh, fatty acids and unsaturated fatty acids. So, odd chain fatty acids are those fatty acids uh, having ऑड नंबर ऑफ़ कार्बन चेन दे आर सीन इन माइक्रोबियल सेल वॉल माइक्रोबियल सेल वॉल में और नंबर ऑफ़ कार्बन चेन और फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें इसकी वेलरिक एसिड इसमें एग्जांपल आती है ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन इसमें प्रेजेंट होते हैं फाइव कार्बन प्रेजेंट होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये इवन चेन की बात करें नेम से ही पता चल चलें जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट होती हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होती हैं चेन में तो वो इवन चेन फैटी एसिड्स होते हैं मोस्ट ऑफ द नेचुरली अकिंग फैटी एसिड्स आर ऑफ दिस टाइप इवन चेन एग्जाम्पल इज पॉलमेटिक एसिड एंस्टेरिक एसिड पालमेटिक एसिड हैवे कार्बन number 16 and a, a steric acid has a carbon number 18 then the saturated fatty acids are uh, named as uh, saturated fatty acids because they have no space of addition of atom saturated fatty acids have no uh, space for the addition of an atom so saturated fatty acids have all the carbon carbon bonds as single bond general formula of saturated fatty acids is c n h 2 n double कार्बोक्सैलिक फंक्शनल रोग देन फैटी हैव अ कार्बन लेस दैन टेन सेचूरेटिव फैटी एसिड में जो फैटी एसिड्स होते हैं अगर उसके कार्बन लेस दैन टेन है तो वो लो लोअर फैटी एसिड्स होते हैं और जिनमें कार्बन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं मोर देन टेन होते हैं वो हाइयर फैटी एसिड होते हैं इसमें हम एग्जांपल देते हैं पाल्मेटिक एसिड में जिसमें कार्बन नंबर सिक्सटीन होते हैं सिक्सटीन होता है स्टेरिक एसिड ये दोनों सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं दैन अन सेचुरेटेड फर्टी एसिड आर दो फैटी एसिड विच हैव एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड दे देर गो एडिशन रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड डिपेंड uh, करते हैं नंबर ऑफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पे कि uh, वो uh, and, क्या करते हैं एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं अंडरगो करते हैं दे हैव द जनरल फार्मूला ऑफ मोनो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वी से दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड व्हिच इज सी एन एच टू एन माइनस वन सी देन द क्लासिफिकेशन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स वी से दैट मोना सेनसेचोरेटिव फैटी एसिड डाए अनसेचोरेटिव फैटी एसिड एंड पोली अनसेटिव मोना मीन जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो मोना अनसेचोरेटिव फैटी एसिड्स होते हैं और जिनमें दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो डाए अनसेचोरेटिव फैटी एसिड्स होते हैं ऐसे फैटीज जिनमें दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो अनसेचुरेटिव फैटी एसिड्स होते हैं दो डाई अनसेचोरेटिव फैटी होते हैं पोली अनसेचोरेटिव फैटी जिसमें जो अनसेचूरेटिव फैटी जिसमें दो से दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड सिस्टम प्रेजेंट होता है उसे पोली अन फैटी एसिड्स कहते हैं एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम कहते हैं ओलिक एसिड लिनोलिक एसिड लिनोलिनिक एसिड एंड आर्चिडोनिक एसिड ओलिक एसिड में कार एटीन कार्बन प्रेजेंट होते हैं और ये जो ट्राइंगल शेप है ये रिप्रेजेंट uh, करते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है मीन्स ये मोनो अनसेचूरेटिव फैटी एसिड है लिनोलिक में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट डाई अनसेचूरेटिव फैटी एसिड एंड लिनोलिनिक एंड आर्चिडोनिक में थ्री और फोर रिस्पेक्टिवली प्रजेंट होते हैं तो ये जो लिनोलिनिक और आर्चिडोनिक है ये पोली अनसेचुरेटिव फैटी एसिड के एग्जाम्पल में आते हैं दैन न्यूट्रिशनल पेज पे अगर हम देखें तो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें uh, हम कहते हैं कि एसेंशियल फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है लेकिन हमारी बॉडी खुद सेंसिसाइज इनको नहीं करती और हमें डाइट्स से, से लेने पड़ते हैं ताकि हमारी जो नॉर्मल uh, ग्रोथ है वो मेनटेन रह सके और हमारी हेल्थ पर फर्क न पड़े सो एसेंशियल फैटी एसिड्स को डाइट के में लिया जाता है जैसे कि लिनोलिनिक linoleic fatty acid and arachidonic uh, fatty acid these are the essential fatty acids नॉन असेंशियल फ़ैटी एसिड ये भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं लेकिन ये जो नॉन असेंशियल फैटी एसिड होते हैं ये हमारी बॉडी खुद सेंथिसाइज करती है हमें डाइट में लेने नहीं पड़ते सो so इन्हें नॉन असेंशियल फैटी एसिड इसलिए एक आ गया क्योंकि ये हमारी बॉडी खुद सेंथिसाइज करती है हमें डाइट्स में के जरिए इन्हें लेना नहीं पड़ता सो करेक्टरिस्टिक अगर हम देखें लिपर्स की तो हम कहते हैं कि फॉलोइंग आर द करेक्टरस्टिक्स ऑफ द लिपर्स लिपर्स आर कलर लिपर्स आर अडोरस एंड लिपर्स हैव हाई वेट मटीरियल लिपिड्स है सॉलुबिलिटी लिपिड्स आर डावर्स क्लास ऑफ द कंपाउंड विच आर इन सॉलुबल इन वाटर बट सॉलुबल इन नॉन पोलर सॉलवेंट सच एज अल्कोहल क्लोरोफॉम बेंजीन ईथर लिपिड्स का कलर की बात करें तो कलरलेस होते हैं ओडोर की बात करें तो इनकी कोई ओडोर नहीं होती सो so, ओडोरलेस होते हैं और इन लिपिड्स का हाई मालिकुलर वेट मटेरियल होता है लिपिड डाइवर्स का सब कंपाउंड्स होते हैं जिसकी वजह से वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर्स में वाटर में यू नो फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर सो लिपिड्स आर आल्सो फैट्स सो दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट

लिपिड आर क्लासीफाइड एज सिम्पल lipids कम्पाउंड lipids डिराइव uh, lipids सिंपल लिपर्स में हमारे पास आते हैं फैट्स ऑयल्स वैक्सीज कंपाउंड लिपिड्स के भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं वो आगे डिस्कस करेंगे हम सिंपल लिपिड्स देखते हैं डेफिनेशन और देन डिटेल स्टडी करते हैं क्लासीफिकेशन ऑफ लिपर्स की सिंपल लिपर्स डेफिनेशन इज देज दे आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ट्राइग्लाइसरोल और अदर अल्कोहल ट्राइग्लाइसरोल और अदर अल्कोहल के एस्टर्स होते हैं first, uh, किसके फैटी एसिड अलॉन्ग विद द ट्राई और अदर अल्कोहल जिसमें हम कहते हैं कि ये ट्राइग्लाइसरोल uh, के की एग्जाम्पल हम सिर्फ ग्लाइसरोल भी इसे कह सकते हैं और ट्राई भी कहते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्राईग्लाइसरोल एग्जाम्पल में अगर हम देखें सिंपल लिपिड्स की हम कहते हैं फैट्स ऑयल्स और वैक्सीज दैन वट इज द फैटी दग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल लिपिड्स फैट्स अदर नेम इज़ ट्राई ग्लाइसराइट अदर नेम ऑफ द फैट्स आर ट्राई ग्लाइसराइट उन्हें क्विज लिप भी कहते हैं डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि फैट्स और फॉर्म द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ट्राइग्लाइस्ट्रोल अल्कोहल हैविंग थ्री कार्बन एंड थ्री हाइड्रोक्सोल ग्रुप आपने स्ट्रक्चर देखी अभी एंड फैटी एसिड विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मेलेक्ल वाटर मेलेक्ल की एलिमिनेशन होती है और केमिकल कंपोजिशन हमने देखी कि इनकी क्या होती है कि ट्राईग्लाइसट्रोल इसमें प्रेजेंट होता है और फैटी एसिड ट्राईग्लाइसरोल और फैटी एसिड से मिलकर क्या बनता है ट्राईग्लाइसराइड बनता है विच इज़ फैट्स

देन अल्स देखते हैं क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन और ये जो बने थे फैटी एसिड ये सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलके फैट्स uh, बने हैं और आयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलके बनते हैं uh, इनमें कॉम्बिनेशन होती है ट्राइग्लाइसरोल की और अनसैचुरेटेड फैटी एसड्स की फैटी एसिड सेचरेट फैटी अलाउ विद द क्लास्टर गिव्स अस अल्कोहल सॉरी आयल्स देन uh, डिफरेंस देखते हैं फैट्स और ऑयल्स में डिफरेंस क्या है फैट्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं जबकि ऑयल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं फैट्स जो की केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें तो सैचूरेटिड फ़ैटी एसिड से मिलके बनते हैं और ऑयल जो है वो अन फैटी एसिड से मिल बनते हैं देन जो फैटी एसिड्स होते फैट्स होते हैं वो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स से हमें मिलते हैं देखिए जो ऑयल्स होते, है, वो unsaturated fatty acids होते है। हैं वो अनसेचूरेटिड फैटी एसिड्स होते हैं और अभी हमने अनसेचरेटिव फैटी एसिड्स की जो डेफिनेशन है वो देखी थी कि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं अन फैटी एसिड्स में अगर हम इसके हाइड्रोजिनेशन करें तो डबल बॉन्ड जो होता है वो रिमूव हो जाता है उसकी जगह सिंगल बॉन्ड आ जाता है क्योंकि हाइड्रोजिनेशन होगी हाइड्रोजन की एडिशन होगी जिसकी वजह से वो सैचरेटिड फैटी एसिड बन गया और सैचुरेटिव फैटी एसिड्स और ट्राई जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं फैट्स बनते हैं सो फैट्स आर ऑबटेन बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स देन वैक्सीज डेफिनेशन ऑफ वैक्सीज इज ईस्टर ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल अदर देन ट्राई ग्लेस्ट्रोल ट्राई लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल होती है अदर देन ट्राई और सेचुरेटेड फैटी एसिड मिल बने तो हमारे पास वैक्सीज आती हैं फैट्स ऑयल्स और वैक्सीज में डिफरेंस क्या है फैट्स जो होते हैं वो सैचूरेटिड फ़ैटी एसिड्स हैं और कम्बिनेशन uh, होती है उनकी ट्राई uh, गलेस्ट्रोल के साथ ऑयल्स की कम्बिनेशन होती है ट्राई uh, ग्लेस्ट्रोल और अनसेचुरेट फैटी एसिड्स के साथ और वैक्सीस जो होते हैं वो सैचरेटिड फैटी एसिड और लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल होती है अदर देन ट्राई गलेस्ट्रोल रिएक्शन अगर हम देखें तो फैटी एसड्स अल्कोहल अदर देन ट्राई क्लेस्ट्रोल गिवस एस वैक्सीस एग्जाम्पल हमारे पास होती है मेरसाइल पेलमिटेक एंड कैटाइल पेमिटेड दिज आर द एग्जाम्पल ऑफ द वैक्सीज सो इनमें डिफरेंस भी आ सकता है इजिली आप डिफरेंस लिख सकते हैं दैन दीज आर द सिंपल लिपर्स सो नेक्स्ट इज द कंपाउंड लिपर्स द लिपर्स इन विच ग्लाइसरोल अलोंग विद द फैटी एसिड सम अदर सब चांसिस आर ऑल्सो प्रेजेंट सच एज गलूकोज फॉस्फेट प्रोटीन सल्फर are also present in this so these are the compound lipids so types of the compound lipids first of all phospholipids definition of the phospholipid is those lipids in which one glycerol two fatty acids and one phosphoric acid is present and these lipids are called as phospholipids सिंपल स्ट्रक्चर अगर हम देखें इसका फास्फोलिपिड्स लिपिड्स का तो इसकी एग्जाम्पल मेरे पास आता है एसिड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोटेडिक एसिड इन विच द वन गलेस्ट्रोल टू फैटी एसिड एंड द वन फॉस्फेरिक एसिड इज आल्सो प्रेजेंट सो दिस इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड विच इज फॉस्फोटेडिक एसिड टाइप्स देर uh, serine, में बी नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग एंड नॉन नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग फॉसफोलिप नाइट्रोजन कंटेनिंग लेसिथीन सिफेलिन एंड फॉसफोट फर्टिडाइल सीरं सिराइंस नॉन नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग में हमारे पास आता है फॉसफो फर्टिडाइल इनस्टोल कार्डियोलिपिन फॉसफो फर्टिडाइल ग्लैसरोल दैन बायोलॉजिकल बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल रोल देखते हैं फॉस्फोलिपट्स का फॉस्फोलिपर्ड होते हैं एज अ स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स का और जो कार्डियल लिपिन होती है नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग फॉसफोलिपिड्स वो पार्ट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का स्फिंगइलिन एंड स्फिंग विच आर आल्सो फॉस्फोलिप आर प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन इन ब्रेन एंड नर्व सेल्स दैन सर्टेन इन्जाइम्स रिक्वायर फॉसफोलिपिड्स फॉर दियर एक्शन दैट इज़ इन्जाइम्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव फॉसफोर ऑक्सीडेटिव फॉसफोरेशन में जो इन्जाइम्स होते हैं उन्हें अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए फॉसफोलिपिड्स की जरूरत होती है दैन फॉसफोलिपिड पे एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड कागुलेशन लिसिथिन फैसिलिटेट द एब्जॉर्बशन ऑफ अदर लिपिड फॉर इंटस्टाइन लसीथाइन जो होते हैं वो क्या कहते हैं फैसिलिटेट कहते हैं एब्जॉर्बशन ऑफ अदर लिपिड्स को इंटस्टाइन से इंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं लिपोप्रोटीन लाइप और ट्राईसाइल ग्लाइसट्रोल लाइपेज होते हैं उन्हें भी फॉसफोलिपट की जरूरत होती है एज अ को इन्जाइम फॉसफोलिप आर रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम एंड डिपेंडेंट सिग्नलिंग फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो कैल्शियम डिपेंडेंट हारमोन जो होते हैं उनकी सिग्नलिंग के लिए उन्हें uh, क्या जरूरत होती है इन हारमोन्स को फॉस्फोलिपिड जरूरत होते हैं सो दिस आर द दिस इज द फॉस्फोलिपिड इन विच वी डिस्कस द डिफिनेशन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स एंड आल्सो द फिज बायोकेमिकल रोल्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स नेक्स्ट इज द लिपोप्रोटीन डेफिनेशन अगर हम देखें लिपो प्रोटीन की तो हम कहते हैं कि ऐसे लिपर्स जो कि अटैच होते हैं प्रोटीन्स के साथ एपोप्रोटीन क्या होता है इस अगर हम प्रोटीन की बात करें यहाँ पे तो हमारे कहते हैं दो तो प्रोटीन पार्ट जो होता है लिपो प्रोटीन में उसे हम कहते हैं एप्पोलिपोप्रोटीन या एपोप्रोटीन सिंपल हम कहते हैं क्लासीफिकेशन देखते हैं लिपो प्रोटीनस की लिपो प्रोटीन को क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द प्रोटीन कॉन्टेंट प्रोटीन कंटेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की माइग्रेशन की बेस पे लिपोप्रोटीन को क्लासिफाई किया गया हमारे पास आते हैं एलडीएल, आईडीएल, एचडीएल और काइलो माइक्रॉन्स आते हैं एल डी एल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आई डी एल इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड एच डी एल इस हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन काइलो माइक्रोन की बात करें तो ये रिस्ट होते हैं इन ट्राइग्लाइसराइड्स में मींस फैट्स में एंड दीज आर कैरियर्स ऑफ एक्सोजेनस ट्राइग्लाइसराइड दीज आर द कैरियर ऑफ एक्सोजेनस ट्राइग्लाइस एक्सोजेनस ट्राइग्लाइस का ये कैरियर्स होते हैं

नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन प्रोटीन कंटेन लेस ट्राइग्लाइसराइड एंड मोर कोलेस्ट्रोल इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होती है वो लेस uh, ट्राइग्लाइसराइड होते हैं और उसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रोल प्रेजेंट होते हैं सो दे एज इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हाई uh, लिपोप्रोटीन होती हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो होती हैं मेन ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं लिपिड्स लिपिड्स को पेरीफ्रल टिश्यूज से लिवर तक और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीनस होते हैं ये कार्डियो प्रोटेक्टिव होती हैं और इनकी जो क्वांटिटी इन सीरम इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू आर्थ्रियोजेनिस्टी एंड हिंस कोरोनरी करोन्ड्री अर्थिसेक्योरासिस एंड मायाकॉर्डियल इन्फॉक्शन एच डी एल जो होते हैं वो कॉर्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं जिसकी वजह से इसकी जो क्वान्टिटी होती है सीरम में वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है अर्थीरियोजेनिस्टी के जिसकी वजह से करोन्ड्री अर्थीरियोसेक्योरासिस और मायाकॉर्डियल इन्फेक्शन में वो प्रॉब्लम जो होते हैं उनकी वजह से क्योर होते हैं एच डी एल की वजह से दैन ग्लाइकोलिपर्स नेक्स्ट इज़ द ग्लैको अभी लिपोप्रोटीन को डिस्कस किया जिसमें हमने उसकी टाइप्स देखी काइलो माइक्रॉन्स एल डी एल एच डी एल आई डी एल ये सारी डिस्कस की नेक्स्ट इज ग्लाइकोलिपिड्स ऐसे लिपर्स जो कि किसके साथ अटैच्ड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं लिपिड्स के पार्ट के साथ वो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें सॉरी टाइप्स देखें तो हम कहते हैं सैरिब्रोसाइड और गैंगलियोसाइड दीज आर बोथ आर प्रेजेंट इन ब्रेन टिश्यूज एंड नर्व सेल्स सो नेक्स्ट इज दाइड्स एंड स्टीरोस डेफिनेशन अगर हम देखें स्टीराइडस आर कंपाउंड हैविंग अ स्ट्रक्चरल स्कैल्टन ऑफ कंबाइंड फॉर्म स्टीराइड्स कंपाउंड्स होते हैं जिनमें स्ट्रक्चरल स्केल्टन कंबाइंड फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं पर हाइड पर हाइड्रोसाइक्लो पेंटेन फिनथरीन दिस इज अ स्ट्रक्चरल कम्बाइंड फॉर्म ऑफ दिस आर द कंपाउंड विच आर स्टीराइड्स Structure of uh, steroids or sterols. The uh, this structure is made uh, by the combination of uh, phenanthrene, cyclopentane, and a double bond at position five. The term sterol is used for an alcohol from the steroids having a uh, OH group at uh, position three. होता क्या है कि फिनेथरीन जो होता है उसके साथ साइक्लोपेंटेन अटैच होता है और डबल बॉन्ड पोजीशन फाइव पे प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसे नेम दिया गया है पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफिनेथरीन और जो स्टीरोल्स है इसका मतलब कि ये यूज़ किया गया अल्कोहल की वजह से जो कि पोजीशन थ्री पे प्रजेंट होता है हाइड्रोक्ल ग्रुप अटैच होता है स्टीराइडल नेचर अगर हम देखें हम कहते हैं इसकी द बायोलॉजिकल मालिक्यूल ऑफ स्टिराइडल नेचर आर कोलेस्ट्रोल सेक्स हारमोन्स वाइटामिन डी एंड बाइल साल्ट दीज आर द बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स ऑफ स्टीराइडिकल नेचर सो इसमें हम कोलेस्ट्रोल को डिस्कस करते हैं कोलेस्ट्रोल क्या होता है द कोलेस्ट्रोल वर्ड मीनिंग ऑफ कोलेस्ट्रोल इज सॉलिड बाइल आकरणस अगर हम देखें कोलेस्ट्रोल की तो हम कहते हैं इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टीरो विच इज़ यूज फॉर द टर्म विच इज़ यूज फॉर द अल्कोहल ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन ब्रेन टिश्यू नर्व टिश्यूज लिवर स्किन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड एड्रीनल कॉटिक्स द कोलेस्ट्रोल इज प्रजेंट इन दिस प्लेसिस इन द बॉडी मलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कोलेस्ट्रोल इज सी टू सी ट्वेंटी सेवन एच 5 and oh this is the molecular formula of cholesterol then the properties this is the structure of the cholesterol then the properties of uh, um, cholesterol is following are the properties of cholesterol solubility so uh, cholesterol are insoluble in water and soluble in organic solvent or non-polar solvent so uh, our color it is faintly yellow uh, yellowish white in color it has no odor Sources we say that the exogenous source of uh, cholesterol are egg, meat, butter, milk. Then the endogenous uh, sources are it is synthesized in liver for, uh, from acetyl coenzyme at the rate of approximately 1 gram per day. Then uh, next is the normal cholesterol level. Normal cholesterol level is 120 to uh, 200 milligram per deciliter. ऑफ कोलेस्ट्रोल इन द ब्लड ब्लड में वन ट्वेंटी टू टू हंड्रेड मिलीग्राम पर डेसी लीटर जो कोलेस्ट्रोल होता है वो प्रेजेंट होता है दैन नेक्स्ट इज द हाइपर कोलेस्ट कोलेस्ट्रोलीमा हाइपर कोलेस्टिमा कोलेस्ट्रोलीमा मतलब कि जो नॉर्मल लेवल है उससे राइज करते हैं कोलेस्ट्रोल लेवल तो वो कंडीशन होगी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमा और इस एंड इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रोनरी आर्टरी डिजीज और हाइपर जो भी प्रॉब्लम है अगर वो हाइपर होगा तो ज़्यादातर क्रोनडी आर्टरी डिजीज ही काज होती हैं फंक्शन अगर हम देखें कोलेस्ट्रोल का तो कोलेस्ट्रोल जो होता है वो प्रिकर्सर होता है नंबर ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का जैसे कि वाइटामिन डी हो गया बाइल हो गया और सेक्स हारमोन्स हो गए these are the precursor uh, uh, cholesterol are the precursor of these biological important compounds next is the regulation of uh, cholesterol the key enzyme in the synthesis of cholesterol is hemoglobin coenzyme a and uh, uh, reductase b beta hydroxy beta methyl uh, glutaryl coenzyme a reductase जैम इन्हीबिटेड दिज इन्जैम इन्हीबिटेड बाई सब्स्टांसिस कार्ड सेटन विच आर यूज एज कोलेस्ट्रोल लोरिंग एजेंट ये कोलेस्ट्रोल लोरिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कहता है सेटनिन और इस इंजैम को इन्हीबिट करने के लिए सब्सटेंस होता है सेटेनिन जो कि यूज होता है कोलेस्ट्रोल एज कोलेस्टोल लोरिंग एजेंट के तौर पर दैन नेक्स्ट इज द इकोसोनाइड्स इकोसिनर्स नेम्ड है ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली रिलेटेड मालिक्यूल्स ऑफ ट्वेंटी कार्बन एटम्स का इकोसिनाइड्स मीन्स ट्वेंटी कार्बनस हैविंग मल्टीपल एन सेचूरेशन ट्वेंटी कार्बनस होते हैं और उनमें मल्टीपल एनसेचुरेश मीन्स डबल और ट्रिपल बाउंड प्रेजेंट होते हैं और ये स्ट्रक्चरल जो माली स्ट्रक्चरली रिलेटेड मालिक्यूल्स हैं ट्वेंटी कार्बन एटम का एकोसा वर्ड जो है उसका मतलब ही ट्वेंटी कार्बन है एक्व नाइट्स को डिवाइड किया गया है दो टर्म्स में फर्स्ट इज द प्रोस्टनाइट्स एंड देन नेक्स्ट इज द लिकोट्रेंस। प्रोस्टन को आगे से फर्दर डिवीज़न हो गई है हुई है प्रोस्टा में प्रोस्टा में देन नेक्स्ट थर्ड वन इज द थ्रोम्बो बॉक्सेंस then first is the prostaglandins prostaglandins pg से represent किया जाता है prostaglandin represents a group of 20 carbon fatty acids with a diverse function prostaglandin क्या करता है वो रिप्रेजेंट करता है 20 कार्बन फैटी एसिड्स को जिनके डाइवर्स फंक्शंस होते हैं जो दे हैव बीन फाउंड इन न्यूमरस मैमेलियन और ये जो प्रोस्टर होते हैं ये मोस्ट ऑफ द मेमेलियन टिश्य में प्रेजेंट होते हैं अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टर फॉर नेक्स्ट इज द फंक्शन फंक्शन दे हैव दिसक्शन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन आर देयर लिस्ट एज एक्ट एजेंट ज देंटी हाइपरटेंटी देन नेक्स्ट इज दज अ पोटेंट इनिबिटर ऑफ प्लेटिलेट एग्रीगेशन, नेक्स्ट इज द इट इनिबिट द गैस्ट्रो इंटेंशनल ये गैस्ट्रो इंटेंशनल होती है उसको इनहबिट करती है प्रोस्टोलिटिन और ये इंक्रीज करती है बाइकार्बोनेट्स और एंजाइम की सिक्रेशन को पेंक्रियाज से लिपोलाइसिस को इनहिबिट करती है स्प्लिटिंग ऑफ लिपिड्स को दे हैव इंसुलिन लाइक अफेक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इंसुलिन होती है जो कि अफेक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में नेक्स्ट इज द बायोकेमिकल रोल्स ऑफ लिपिड्स लिपिड जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे भी एक्ट करते हैं कि हम कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली नाइन किलो कैलोरीज पर ग्राम यूज़ की जाती है एनर्जी जब कारबोहाइड्रेट प्रजेंट नहीं होता तब तो और प्रोटीन्स अपना रोल परफॉर्म करती हैं और जो बॉडी uh, फंक्शंस होते हैं उनमें uh, हेल्प करती हैं नेक्स्ट इज़ द दे प्रोवाइड इंसुलेशन टू द नर्व सेल्स नर्व सेल्स में को जो है वो इंसुलेशन प्रोवाइड uh, करते हैं ये लिपिड्स नर्व uh, लिपिड्स जो होते हैं ये एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एक्ट करते हैं वायरस सेल्स में और टिश्यूज़ में एंड दे है दे आर द पार्ट ऑफ़ सेल मेमबरेन एज फॉसफोलिपट्स ये सेल मेम्बरेन का भी पार्ट है जैसे फॉसफोलिपट मैंने बताया कि ये फॉसफोलिपिड जो है वो स्ट्रक्चरल पार्ट है इसका सेल मेमब्रेन का वायरस ऑर्गन आर गिवन एनाटमिकल स्पोर्ट बाई लिपि डिफरेंट ऑर्गन होते हैं जिनको स्पोर्ट एनाटोमिकली जो स्पोर्ट्स होती है वो लिपिड्स परफॉर्म देते हैं उन्हें लिपिड्स आर असाइन

उम्मीद है आपको समझ आ गया होगी अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो दुआ में याद रखिएगा हाफिज़